तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, आज थोड़ा मोटिवेट वाला वीडियो होने वाला है, तो सुन के जाइएगा ध्यान से। मर्द क्या फुटबॉल है, कोई खेल के चले जाएगा? हाँ है क्या, तो कमेंट करिएगा और वीडियो में बने रहिए। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 से 8 मिनट टाइम लेंगे दोस्तों, और दिल का बात बताएंगे, क्योंकि मेरा जो मित्र है, दोस्त है, मेरा दिल का बात सुनने वाला यही यूट्यूब है, फेसबुक है, यही जरिए से हम अपने दिल का आगाज को आगे तक बढ़ाते हैं। तो मेरा नाम अमजद अली अंसारी है, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे का बाप है, और हम जो डिप्टी करते हैं ना, आप लोग ब्लॉग वीडियो देखते हैं कि हम घर जाते हैं, कब स्कूल, कब बच्चा छोड़ते हैं, लेकिन जब मर्द जात 24 घंटा अपने फैमिली परिवार के लिए काम कर सकता है, फिर ये औरतें जो है मर्द को क्यों नहीं समझ सकती है? जो औरत मर्द के साथ नंगा सोती है, वो ही औरत अपना मर्द को नहीं समझ पाती है। और एक बात, जो औरत पैसा कमाने लगे, वो कभी मर्द का कदर नहीं करती है और खुद को 30 मरखा समझती है, लेकिन मर्द जज भी है, वकील भी है, पुलिस भी है, मिनिस्टर भी है, नेता भी है, यहाँ तक कि मर्द इतने जलाए जाते हैं, आप जेल में जाओ 100 में से 70% मर्द का केस डिवोर्स है, बीवी को खर्चा ना देना, औरत तुरंत इल्जाम लगा देगी खर्चा नहीं देता है, बोलो 15,000 हमको खर्चा देगा, भाई तेरा बाप का राज है, कौन तुमको खर्चा देगा? जब तुम मर्द के साथ रह के बच्चा पैदा करके मर्द को समझेगी नहीं, मर्द को एहतराम करेगी नहीं, मर्द से नरम मिजाज से बात करेगी नहीं, मेरा ऊंचा आवाज है तो ऊंचा आवाज तेरा भाड़ में जाए, कितना बर्दाश्त करे मर्द? तो औरत का अपना घर संसार जो बर्बाद होता है, वो राजा जी उसका जबान होता है, उसका जबान आपको बीच रोड में अगर कोई औरत आपका कलर पकड़ ले, आपको भोंसड़ी वाला बोले, सबको बोले ये घर में खर्चा नहीं देता है, एकदम मुंबई ऐसा शहर में, कलकत्ता ऐसा शहर में, बेंगलोर ऐसा शहर में, अगर कोई औरत अपना मर्द का कलर पकड़वा दे कोई गैर मर्द से, गैर मर्द मेरा कलर क्यों पकड़ा? अगर हम घर जा रहे हैं तो घर में जब हम लोग नंगा होके प्यार करते हैं, लेते हैं, देते हैं, तो घर में और थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो चौकी में बात आ गई, और जो बात चौकी में, पुलिस चौकी में आ जाए, क्या लगता है वो रिश्ता पवित्र रहता है? उस औरत का इतना औकात कहाँ से आ गया कि चौकी में चली गई? चौकी वाला फिर लड़का को फोन करता है, हेलो हाँ जी, हाँ आइए ना पुलिस चौकी में, हाँ जी आते हैं, हम आतंकवादी हैं, मर्डर किए हैं, पाकिस्तानी हैं, मेरा नस्ल हिंदुस्तान का है, मेरा वोटर आईडी कार्ड हिंदुस्तान का है, हमारा 7 पुश्त हिंदुस्तान का है, क्या बात करते, 1947 का पेपर दिखाएंगे, हम क्यों डरेंगे? हम गए बात किए, पुलिस वाले से बोले आप भी मर्द हो बताओ, भाई औरत का जलाए मिनिस्टर भी हैं, औरत के जलाए पुलिस प्रशासन भी हैं, औरत के जलाए जज वकील भी हैं, अरे कहाँ जाओगे औरतों? क्यों नहीं समझती हो साली लोग कि मर्द का दिल से नहीं खेलने का बात बतियाता है साला? ऐसा नहीं राजा जी, जीवन में अगर औरत मर्द को समझे, हम तो माँ का पेट से जन्म लेते हैं, 10-12 साल तक माँ का आंचल पकड़ते हैं, और जब जवान होते हैं सला आइटम पटाते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चा होता है, फिर अपना बीवी का पल्लू पकड़ के बाजार जाते हैं, आलू लेते हैं, बैंगन लेते हैं, टमाटर लेते हैं, सब्जी लेते हैं, सला सब चीज करने का बाद भी अगर औरत ऊंचा आवाज में बात करे तो बेशक आप उसको तलाक या डिवोर्स दे सकते हैं, ये हमारा संविधान कहता है। क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा गांड मराओ? क्यों बेटी को बेटी पराई है? अरे बेटी पराई है, साले पैदा किया घर में, जवान किया, हमारे सर में थोप दिया, हमने बच्चा पैदा किया तो ठीक है पराई है, तो हम अपना बेटी को इतना प्यार करते हैं, और मेरी बेटी अगर अपना हस्बैंड का साथ जवान लड़ाएगी तो उसका साथ भी यही होने वाला है डिवोर्स।
आपका बेटी का साथ भी वही होने वाला है। आपका बीवी अगर आपसे ऊंचा आवाज में बात करे तो बेशक आप खुद डिवोर्स दे देंगे, आपका बाप आपका माँ को डिवोर्स दे देगा, आपका मौसा आपका मौसी को डिवोर्स दे देगा। अबे ये औरत का जबान है ना साला पेट्रोल निकलती है, ससुरी समझती नहीं है। तुरंत मर्द को भड़ुआ बोल देगा, दोगला बोल देगा, खर्चा नहीं देता है। अबे साला कौन मर्द है जो बच्चा पैदा कर दिया खर्चा नहीं देगा? मर्द तो साला सोचता है मेरा बीबी खूबसूरत रहे, बच्चा अच्छा जगह पढ़े। अब मर्द के जीवन में बहुत उलझने होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, उस टाइम तुम उसको दोस्त समझ के समझाएगी, प्यार समझ के बाहों में लेके उसको समझाएगी, अरे हम कमाते हैं जानू डार्लिंग नो टेंशन, तो मिलके मजा आए जिंदगी जीने में। खाली टॉर्चर, पैसा पैसा, ये साला औरत का पैसा का नशा इतना होता है जो अपना जिस्म तक भी बेच देती है। पर हमारे पास क्या बेचेंगे? अल्लाह ताला दिया पिछवाड़ा हगने के लिए, किसी से मरवाने भी जाओ तो पैसा नहीं देगा, बोलेगा बेटा फोकट में मारने दो। और उसको दिया है साला मुतने के लिए, पैदा करने के लिए, लेकिन वो मरवा लेती है, पैसा आ जाता है उसके पास, और ही दोगले लोग देते हैं पैसा, तो क्या है जीवन का मतलब? हम मर्द इतने उल्लंघन क्यों है? कोर्ट में जाओ तो हमको दबाया जाता है, पुलिस प्रशासन में जाओ दबाया जाता है। ये पहली बार ऐसा होता है, मर्द लड़ना सीखो। अगर कोई आप पे उलझन उठाए, उंगली उठाए, तो जवाब पूछो, सबूत पूछो। मर्द पे इल्जाम लगा देना छोटी मोटी बात नहीं है राजा जी, मिल गई होगी हमसे। अच्छा ये कहना बहुत, तुम औरत हो इसका मतलब मिल गई होगी, तुम सबको मिलती है रोज, इसके लिए तू सोचती है कि मर्द को तो रोज मिल जाता है क्योंकि तुम मिलती होगी कोई मर्द से रोज। तो ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए। तो दीदी सब, दादा सब, औरत की कोई जात नहीं होती, उसकी उतनी किसी की औकात नहीं होती। और एक सीने को अपने बच्चवा को पकड़ाएगी, एक अपने भूखे बाप को पकड़ाएगी, वो देखते ही देखते अपने जन्मदाता की माँ बन बैठेगी और डुबो देगी इतनी दूध की कर्ज में कि एक कतरा मर्द दूध का हक अदा नहीं कर सकते। हम क्या देंगे औरत को, वो हमारे कर्जदार हो? ये सवाल हमने चौकी में किया था पुलिस वाले से। तलाक देंगे? तलाक देंगे तब वो सुधरेगी? फिर तलाक देने के बाद क्या हलाला करो, किसी और के साथ गांड खोल के सोवो, मरवाओ तब मेरे पास आओ? अबे क्या लफड़ा है जीवन में, पता है हस्बैंड से ऊंचा आवाज बात करने से कितना नुकसान होता है। तो दीदी सब, अगर समझाने के लिए मैं कुछ लैंग्वेज भी गलत किया हूँ तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और ये वीडियो अगर कोई बहन देखे तो प्लीज़ 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 अपने पति से ऊंचा आवाज़ में बात ना कीजिएगा, क्योंकि मर्द का दिल टूटता है ना बहन, तो जुड़ता नहीं, उह पाकिस्तान तक नहीं, सऊदी अरब तक नहीं, परवरदिगार तक पहुँचता है जाके, क्योंकि मर्द रोता नहीं, मर्द का दिल रोता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये सबके जीवन में आते हैं, समझदारी होनी चाहिए। और अगर मर्द नाराज है तो उसकी नाराज़गी जानने की कोशिश करिए, और जिस दिन आप मर्द से मुंह मोड़ लेंगे, और मर्द अगर आपसे मुंह मोड़ लिया, कसम परवरदिगार की खून का आंसू रोते रह जाएंगे, कोई काम नहीं देगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, नसीहत दी हम ये। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।